Hello students, now we are going to start the multiplication of two vectors. So suppose there is a two vector, vector A and vector B. They are multiplied and we got a scalar quantity. So that is called the scalar product. Okay, if multiplication of two vector is a scalar quantity, then it will call the scalar product, or it's also called the dot product. And represented by, suppose the vector A and vector B is multiplied, so it will be represented by vector A dot vector B. This will be the representation. And if two vectors are multiplied and we got the vector quantity, so it will call the vector product. And it is also called the cross product. Represented by vector A cross vector B. देखो ये दोनों ही मल्टीप्लीकेशन, ये समझ लो कि मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से किया जा सकता है, एक डॉट प्रोडक्ट के थ्रू और एक क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि दो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन. और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, स्केलर. यानी कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट भी स्केलर हो सकता है और उसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और उनको डॉट से शो करेंगे. अब दूसरा एग्जांपल लिया जाए, जैसे कोई दो क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि फोर्स into perpendicular distance from the axis of rotation equal to torque. Torque होता है ना, यानी कि दो quantity मैंने लिया, दोनों vector quantities हैं, उनका multiplication कैसा आया, एक vector quantity आया. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, vector product. ठीक है, तो इसी आधार पर दो parts में divide कर दिया गया है, scalar product और vector product. ठीक है, एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट. या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, चलिए दो वेक्टर ले लिया जाए. वेक्टर ए और वेक्टर बी. दो वेक्टर ले लिया मैंने, वेक्टर ए वेक्टर बी. ठीक,
हम ये मान लेते हैं कि इन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अब ये थीटा एंगल डिसाइड कैसे होगा? तो देखो, पहले वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, ठीक, और इसके टेल से जो दूसरा वेक्टर है उसको भी विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड इन द सेम डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। इनके बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर, इसको थीटा मैंने मान लिया। ठीक, अगर इस तरीके से है तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। यानी कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का उसकी वैल्यू कितनी होती है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कॉस को कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड द कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी, तो इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, याद हो जाएगा कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, सो दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको, इसके बारे में आगे देख लिया जाए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं। लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि दोनों तरफ लिख सकूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मीन्स जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, अच्छा ये होता क्यों है तो इसको भी कैसे समझ सकते हैं हम लोग? देखो,
इसको एक मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, इस ए बी कॉस थीटा को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड तो आपस में कॉमुटेटिव तो होता ही है। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, और बी ए कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आ गया ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखा जाए, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जैसे ही कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर लिखा हुआ है, कि जो वेक्टर ए है इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड देखा जाए, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, कॉस जीरो जीरो, मतलब पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो। इसका बहुत ज्यादा यूज है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे पूछ देगा कि शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो वहां हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, और अगर वो जीरो आ गया तो हम बोलेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, कॉस जीरो की वैल्यू तो वन हो गई। यानी कि अगर दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शंस में होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ही बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखा जाए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ, मतलब कि उसका अपने साथ ही वेक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मतलब ये हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही वेक्टर तो भैया डायरेक्शन तो सेम ही होगा, और जब डायरेक्शन सेम है तो यही ऊपर वाला फोर्थ नंबर का पॉइंट लग जाएगा। डायरेक्शन सेम का मतलब क्या, थीटा जीरो, यानी कि कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस जीरो लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर। यानी कि दो वेक्टर्स, मतलब कि अगर एक वेक्टर का अपने ही साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले ले तो उसका जो आंसर आएगा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से, ज्यादा भी नहीं मतलब तब भी ध्यान से। ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स बता रहा है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं? जब तीन या तीन से अधिक वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, और इसके बारे में आपको मालूम है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस के जो अलोंग होता है उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग वाले को क्या बोलते हैं? जे कैप। और के एक्सिस के अलोंग वाले को क्या बोलते हैं? के कैप। जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर्स। आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एंड सिंस ऑल थ्री एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, therefore they are also called the orthogonal vectors। ठीक है, चलिए अब इनका स्केलर प्रोडक्ट देखा जाए। देखिए i dot i ये कितना हो जाएगा? i dot i मतलब कि सेम वेक्टर का सेम के साथ, मतलब ये वाला रूल लगेगा क्या? ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना होता है आई का? वन। वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? वन। इसी तरीके से जे डॉट जे का भी आ जाएगा, और इसी तरीके से के डॉट के का भी हो जाएगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया, ठीक है, अब दूसरा देखा जाए। I dot j, I dot j, I और j एक दूसरे के perpendicular हैं क्या? हाँ perpendicular हैं। तो perpendicular के लिए ये वाला केस लगेगा क्या? थर्ड वाला, हाँ यही वाला लगेगा। यानी कि I dot j equal to कितना आ जाएगा? जीरो। इसी तरीके से j dot k कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वो भी तो perpendicular हैं। और इसी तरीके से k dot i कितना हो जाएगा? जीरो। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। अब ये कम्यूटेटिव भी होते हैं तो उल्टा भी उतना ही होगा। जो जे डॉट आई के डॉट जे और आई डॉट के, ये भी क्या होगा? जीरो होगा। इन तीन चीजों को आप याद रखिए, ठीक है। आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, ठीक है, और जे डॉट आई या आई डॉट जे ये सब जीरो होंगे, ठीक है। इनको बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स, सेवन सॉरी। ये प्रॉपर्टी क्या जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज मैं आपको बता रहा हूं। सपोज द वेक्टर ए इज गिवन, इन रिजोल्यूशन फॉर्म लाइक एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप एंड इट इज बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, देन वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलिए पुट कर देते हैं वैल्यूज। ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप,
डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए एक एक करके, मालूम है ना ये सब बचपन में करते थे, इस टर्म का मल्टीप्लाई जो होगा पहले इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, वही मेथड लगा रहा है, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख दो क्या एक टर्म में, चलिए आई कैप डॉट आई कैप। अब ऐसे ही कितना हो जाएगा, फिर ए एक्स का सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ऐसे ही आएगा ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। अब सेकेंड टर्म मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तीनों के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, ऐसे ही चलते जाएंगे। ठीक है चलिए देखा जाए, तो चलिए आगे ये बढ़ा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप, फिर आ जाएगा ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है, फिर आएगा ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, फास्ट लिख रहा हूं ए जेड ए बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, फिर आ जाएगा ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप, फिर आ जाएगा आपका ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। देखो एकदम ध्यान से कौन कौन सा टर्म बचेगा, ये टर्म और ये टर्म, इनको छोड़ करके बाकी सब जीरो हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि i डॉट j की वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ले दे करके बचेगा क्या, और i डॉट i कितना हो जाएगा वन, ये कितना हो जाएगा वन, ये तो हो जाएगा वन, इन्हीं के बचेगा कितना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, ये होगा हमारा इस फॉर्म में आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन फटाक से लगा लेते हैं हम लोग जल्दी से, मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट कि इनका स्क्वायर प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो 2i कैप, देखो यहां j नहीं है ना तो j की जगह पे 0j कैप लिख लो, ठीक है, माइनस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप प्लस 7y कैप j कैप नॉट y कैप j कैप माइनस 2k कैप,
ठीक। अब देखो आई के बगल में कोई नंबर नहीं है तो वन मान लो यहां पर, ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड साइन के साथ बच्चा, ठीक है। तो कितना आंसर हो जाएगा, ए एक्स बी वाई यानी कि टू इंटू वन प्लस जीरो इंटू सेवन, बी एक्स बी वाई ना जीरो इंटू सेवन प्लस माइनस थ्री इंटू माइनस टू, टू आ जाएगा जीरो हो जाएगा प्लस सिक्स हो जाएगा इक्वल टू एट। एट देखिए आपका स्केलर नंबर आ रहा है ना, क्योंकि इसमें आई जे के ये सब तो नहीं है ना, तो स्केलर नंबर है और स्केलर नंबर है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग इसके नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे, ठीक है। तब तक आप स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल सके आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नॉर्मल सा है, ऐसे याद कर लीजिए। आई आई में मल्टीप्लाई होगा, जे जे में होगा, के में होगा, बस बात खत्म, ठीक है।